बॉइल्ड राइस विद चिकन पड़ा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें इनकी अच्छी थी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, जूसेस। मैंने ट्राई किया था इनका चिकन बफलो, वो वाइट सॉस के साथ था, बेहतरीन। एक मैंने ट्राई किया था इनका पेपरोनी पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, हज़रात शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रजस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, और हसन मेरे साथ है, क्या हाल है? हम लोग इस टाइम मक्का में हैं, अभी जुमा पढ़ के निकले हैं। आज जुमे का दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन होता है यहाँ पे। इसको एक बहुत ही, जिस तरह से जुमे को सेलिब्रेट करना चाहिए उस तरह से किया जाता है। सब लोग बड़ा तैयार होते हैं, सुबह से जुमे की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। हरम में 9 बजे तकरीबन जाके बैठना पड़ता है, नौ ही नहीं मिलती, हाँ वरना जगह नहीं मिलती। 9-10 बजे आपको अंदर जाके बैठना पड़ता है अगर आपने जुमा अंदर पढ़ना है। और आजकल मक्का में जो रश की सिचुएशन है वो इस तरह से, जिस तरह मतलब लास्ट ईयर मैंने हज पे देखा था ना, शायद उससे मतलब वो वाला सीन हुआ था। इतना इतना रश है कि आपकी सोच है। रश की सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो कि ये सामने लंबी एक सड़क है जिस पे आपको समंदर नज़र आ रहा है लोगों का। जुमे का दिन है उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा रश है, लेकिन नॉर्मली भी मुझे तकरीबन यहाँ पे सऊदी आए हुए कोई 10 दिन हो चुके हैं, नॉर्मली भी यही वाला सीन है कि बहुत बहुत इस टाइम हेवी रश है यहाँ पे उमरे का। हरम की सफाई चल रही है और ये सफाई देखना भी एक सेटिस्फेक्शन है। ये फौज जिस तरह से सफाई करती है ना, ये चेक करना भी, ये टीम वर्क है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का भाई इनका। ओहो हो हो, आ गया, ये चेक करो, ये इतना सेन जो है वो ऐसे साफ़ करते हैं कि आपके देखते देखते सारा काम क्लियर हो जाता है और फिर पीछे ये मशीन आती है। अच्छा भाई, हम लोग जुमा पढ़ के रूम में चले गए थे, फिर असर पड़ी। अब असर के बाद मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाता हूँ मस्जिद अल हराम के बिल्कुल पास खाने की क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उम्रे पे आते रहते हैं। अभी हज स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन में, तो काफ़ी लोगों ने इंशाल्लाह हज पे भी आना है, तो आप लोगों की हेल्प हो सकेगी कि मस्जिद अल हराम के आसपास कौन से खाने के ऑप्शंस हैं जो आप इजीली बाय वॉक मस्जिद से निकलते ही खा पी सकते हो। होता है ना, नमाज पढ़ी फ़ौरन गए और भूख लगी हुई खाना खा लिया, इसमें पाकिस्तानी खाने भी होंगे, ब्रांड्स भी होंगे, क्रिस्पी चिकन, शवारमे, कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, सब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। अच्छा भाई, सबसे पहला स्पॉट हमारा मस्जिद अल हराम के बिल्कुल सामने, ये है मक्का टावर। वो जो आपको नज़र आ रहा है वो मक्का क्लॉक टावर है, और ये मक्का टावर है। इसका एक फूड कोर्ट इस तरफ है और एक फूड कोर्ट इस तरफ है। ये सबसे ईजी एक्सेस है, यहाँ पर आपको मॉल इस तरफ बिन दाऊद, नीचे KFC मिल जाता है, फिर यहाँ से आप बिल्कुल सामने हरम है, वहाँ से आप आते हो, यहाँ से एस्केलेटर यूज़ करो, ऊपर जाओ और सीधा फूड कोर्ट में एंटर हो जाओगे। अच्छा भाई, यहाँ से ऊपर आने के बाद ये इस तरफ फूड कोर्ट स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक शवरमा सिटी है, बहुत चलता है भाई ये। ये बाहरी फूड कोर्ट अंदर शुरू होता है, ये बाहरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक इसका शवरमा मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, और मैं आपको सिर्फ नियरेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ कि आप क्या क्या खा सकते हो। यहाँ पर शवरमा, इसके बिल्कुल सामने ये पिज़्ज़ा, यहाँ भी मैंने बहुत देखा है, इस पर लोग बहुत पिज़्ज़ा ले रहे होते हैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया हुआ। मोस्टली चीज़ें मैंने ट्राई नहीं की, मैं आपको सिर्फ करीब तरीन चीज़ें बताऊँगा। और अभी हम चलते हैं फूड कोर्ट के अंदर। ये फूड कोर्ट नंबर 1 है, इसके अंदर हार्डीज है और बाकी डिफरेंट खाने इसमें मिल जाएंगे। और ये एक असदी का और अरेबिक की नेम है। यहाँ से कल हम लोगों ने इनके राइस ट्राई किए थे, जिसके अंदर एक हमने ट्राई किया था मटन पुलाव, और एक यहाँ पे कल बिरयानी थी, आज बिरयानी नहीं है, आज उसकी जगह ये बॉयल्ड राइस विद चिकन पड़ा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें इनकी अच्छी थी। उसके अलावा इनके पास मंदी राइस है, वाइट राइस है, साथ में ये है जी चिली चिकन पास्ता आई थिंक, उसके अलावा ये चिकन कौरमा है, ये बीफ कौरमा है, और ये ग्रिल चिकन इनके पास पड़ा है, तो आप ग्रिल चिकन ले सकते हो और साथ में वहाँ से कोई भी राइस ले सकते हो या पूरी मंदी ले सकते हो। ये यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो पूरा मेन्यू लगाया हुआ है, इसके अंदर बर्गर्स, क्रिस्पी चिकन और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। अब ये इसकी जो पैकिंग आती है, एक ये स्मॉल पैकिंग है, ये 2 बंदे खा लेते हैं यार सही पेट भरने के लिए, लेकिन अगर 2-3 लोगों ने खाना है तो ये वाली जो पैकिंग है 45 रियाल्स की, तो ये ले सकते हो आप। तो 3 लोगों के लिए अच्छा खाना यहाँ से आपको मिल जाता है। देन इनके मेन्यू में प्रॉन्स भी हैं, फ़िश है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं। ये देखो मेन्यू किस तरह लगा हुआ, लगता है खाना ही पड़ा हुआ है। ये देखो, ये फ़िश है, ये तिक्के पड़े हुए हैं, ये प्रॉन्स हैं, उसके बाद ये फिर आई थिंक ये मीठे चावल हैं, और ये मटन पुलाव आ गया, ये चिकन पुलाव आ गया, फिर वही कौरमा, वो रिपीट हो रही है सारी। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं तो ये आ जाता है, ये क्या है भाई? कीमा मटर। और ये भिंडी। सब्जियां चल रही हैं, कोफ्ते, दाल, और फिर आगे से वही राइस सेम पड़े हुए। आगे चलते जाएंगे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, और ओपन टेबल्स हैं, कहीं से भी आपने कुछ लेना है और बैठ के खा लेना है। ये देखो अब रोस्ट अल
खलीज है, इनके पास सारा चिकन रोस्ट और शवारमाज हैं। ये पिज़्ज़ा हॉट आ गया, इनके पास सारे पिज़्ज़ा जूसेस वो चीज़ें आ गई। फिर इसके बाद रोस्ट, इन्होंने भी अलबेक के लोगों का छापा मारा हुआ है। तो यहाँ पे सलाम, ये वही अल खलीज आ गया जो जिसका मैंने दिखाया। ये चेक करो, यहाँ पे पड़ी हुई है जी आई थिंक मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, उसके बाद ये फिर से चिरगे पड़े हुए हैं पूरे ग्रिल्ड विद बॉयल्ड राइस या मंदी राइस, और ये फिर से वही चिकन कौरमा, मटन कौरमा, मैक्रोनीज, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी। ओए होए होए होए, इसका नाम है जी मुताम वली, मुताम रेस्टोरेंट को कहते हैं, वली रेस्टोरेंट। इनके पास क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा भाई? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, जूसेस, देखते हैं। ये चेक करो जी, ये है इनका मेन्यू, इसमें भी वही बीफ और चिकन वाली डिशेज हैं। ये मटन कौरमा पड़ा है, नूडल्स, पास्ता, दाल, ये जूसेस बहुत भाई यहाँ पे लोग पीते हैं, ये जूसेस ही, स्मूदी, मैंगो स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्मूदी। देन यहाँ पे आपको बर्गर किंग मिल जाएगा, और बर्गर किंग के इस तरफ अल खलीज के बिल्कुल साथ ये मिलेगा हार्डीज, बट ये वाले बर्गर्स आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जहाँ पे आप 45 रियाल में तीन लोगों के लिए मटन पुलाव ले सकते हो, वहाँ पे इनका 35 रियाल में, 36 रियाल में एक बर्गर मिलता है। चिकन कौरमा है, कहाँ ये चिकन कौरमा है, और इसकी ये कितने कितने की है ये पैकिंग? 20 रियाल, और ये हाँ 40 रियाल। अच्छा भाई, खाना वाला असधी का हर से, ये अरबी में पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ कल हमने उनके राइस भी खाए थे, अच्छे थे मेरे लिए जी। चिकन कौरमा और दाल उसके साथ आई है, हमारे पास दो पैकेट कुबस अरबी रोटी के, और साथ में आई है प्लेट। बट यहाँ पे इन सब चीज़ों से पहले होता है सुपरा लगाया जाता है, और सुपरे का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, आपने खाया पिया और वहीं से अपना सारा गंद इसके अंदर लपेट के साफ। ये आई हमारी दाल, ये 10 रियाल की दाल है, और कितने लोग खा पाएंगे ये खाने के बाद पता लगेगा। ज़्यादा बड़ी पैकिंग भी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी लग रही है। और उसके बाद मेरे पास है जी इस तरफ चिकन कौरमा, चिकन कौरमा मैंने लिया 35 रियाल वाली पैकिंग, जिसके अंदर मुझे लगता है कि चार लोगों के लिए अच्छा खासा है। ये आया हमारा चिकन कौरमा, ओए होए होए होए, अरबी खुब्स, ठंडी यख, और इतने वो पाकिस्तान वाली रोटियां थे, मज़े कोई नहीं, तंदूर जो ताज़ी निकली, आए 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 नो, ठंडी खुब्स खुब्स। और ये हमारे पास कौरमा, हमने प्लेटों में निकाल लिया इसको, थोड़ा सा तोड़ फोड़ भी दिया। ये आया चिकन ऐसे लगा के, ओ हो, कौरमा तो प्यार, यहाँ आके आपको ये भी अच्छी लग रही होती है, फिर जितनी भूख लगी होती है फिर के मज़ेदार काम। अच्छा जी, इस फूड कोर्ट से निकलते ही हम लोग जाएंगे इस तरफ, और यहाँ पे वो सामने डोर है, वहाँ से एंटर होते ही सेकंड फूड कोर्ट, यहाँ पे आपको इस साइड पे ज़्यादा ब्रांड्स मिलेंगे, और दोनों साइड्स पे शॉप्स भी हैं मॉल टाइप, ये जिस तरह आपको सामने नज़र आ रहा होगा, बुरके, ऊद और इस तरह की चीज़ें, शॉपिंग वॉपिंग आप कर सकते हो। निज़ाम सेम है, वो वाला जो फूड कोर्ट है वो ज़रा आपको लोकल फूड वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, इस वाले के अंदर सिटिंग एरिया तकरीबन वैसे ही है, लेकिन ये ज़रा ब्रांडेड सा है। ये है जी कुडू, ये यहाँ का आई थिंक एक ब्रांड है, इनके पास फ्राइड चिकन और सैंडविचेस, बर्गर्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखो सबवे टाइप इनके सैंडविचेस हैं। उसके बाद यहाँ से हम आगे जाएंगे, आगे आ जाता है जी मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स का भी वही तकरीबन पाकिस्तान वाला मेन्यू है, यहाँ पे मेन्यू चेंज नहीं है इनका, ये आवाम बैठी हुई है, और वो सामने आप नीचे मस्जिद के नज़ारे ले सकते हो। आगे आ जाता है जी डोमिनोज़, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अगर आपने खाना है तो मैंने आपको बताया, ये ज़रा ब्रांडेड सी साइड है, और ये एक है जी फ़िश, हाँ अगर आपने सी फूड के मज़े लेने हैं तो ये जगह, इनके पास सारा सी फूड है, राइस के साथ भी, नूडल्स के साथ भी, पास्ता के साथ भी। एक ये है जी हीरा, हीरा जो भी है, इसका शवारमा बड़ा मज़े का है, हम लोग इसका शवारमा खाते हैं, अभी भी शायद हमारा मूड बन रहा है कि हम इसका शवारमा ही खाएँ, लेकिन देखते हैं। इनके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह इन्होंने मेन्यू ये यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, मीट विद फ्राइज़, कबाब विद राइस, उसके बाद ये मटन विद राइस है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें इस तरफ क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डोनट्स और साथ में स्मूदीज, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी।
ये देखो ये सारा फ्रेश माल इन्होंने लगा के रखा हुआ है, और ये केक स्लाइसेस पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम खानी है तो आपको मूव इन पिक की ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आइसक्रीम के लिए बिंदा आउट जाओ, वहाँ पे एक एक नस्ल की आपको जो है ना वो आइसक्रीम मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे फिर आइसक्रीम की दूसरी ऑप्शन बास्किन रॉबिन्स है। तो इस फूड कोर्ट में ज़रा चीज़ें ब्रांडेड हैं, थोड़ी कम है, उस साइड पे आपको लोकल फूड ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा भाई, मक्का टावर मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरी ऑप्शन आपके पास जो मस्जिद से निकलती है वो है मक्का क्लॉक टावर। क्लॉक टावर बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है, इसके अंदर आपको बेशुमार ब्रांड्स मिलेंगे जिस तरह एडिडास, नाइकी, इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी मतलब बॉडी शॉप और गेस्ट, इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े स्टोर्स और खाने की भी चीज़ें, फूड कोर्ट बड़ा लेविश है इसका, वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अंदर जाने से पहले इसके बेसमेंट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक माहौल है। ये मस्जिद से आप निकले और यहाँ से नीचे जाओगे, नीचे अब आप उमरा करवाओगे तो टेंट करवाने भी आपको यहीं पर जाना पड़ेगा। इसके बेसमेंट में सारे जो है ना वो नाइयों की दुकानें, ये देखो ये साइन भी यहाँ पे लगा हुआ है। अभी तो कोई आवाज़ें नहीं लगा रहे, मैं हैरान हूँ, वरना यहाँ पे खड़े होते हैं अन्य वाह कोई 10-15 लोग, सारे जो सैलून्स हैं उनका एक एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, उनको वो मिलता है कमीशन मिलता है बाहर से उमरे वाले बंदे को अंदर लेके आने का ट्रेंड करने के लिए, तो वो अभी खड़े नहीं हुए, मुझे नहीं पता क्या आवाज़ है। ये है जी मक्का क्लॉक टावर का बेसमेंट, यहाँ पे ये दोनों तरफ सिटिंग एरिया है, आप यहाँ से खाना शाना लो और लेके यहाँ बैठ सकते हो। खाने के अलावा नीचे आपको लोकल शॉपिंग भी मिल जाती है, ये चप्पल है और जाय नमाज, तस्बियाँ, इस तरह की सारी चीज़ें, ये एक नीचे हिडन सी मार्केट, हिडन तो नहीं मतलब जो भी टेंट करवाने आएगा वो ये देखेगा मार्केट, बट हाँ मोस्ट लोगों को इसका ज़्यादा पता नहीं लगता। अभी है जी वर्ल्ड रेस्टोरेंट, मटन कौरमा, चिकन कौरमा, दाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या है भाई? ठीक है, मुतबक ऑमलेट, ग्रिल चिकन, राइस, और इस तरफ भी ये चिकन पुलाव पड़ा हुआ है पाकिस्तानी माहौल, और बॉयल्ड राइस ये पड़े हैं जी, ये फलाफल रखे हुए हैं, फ्राइज है, और ये चाय बिस्किट। थोड़ा सा आ गया है तो यहाँ पे सारी सैलून शुरू हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे गली में सारी सैलून्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे टेंट करवाने के लिए पूरा माहौल दिया जाता है। यहाँ पे एक दो ही रेस्टोरेंट्स हैं यही वाले, खाना वही है जो मैंने पहले आपको मक्का टावर के उसमें फूड कोर्ट में दिखाया, देसी ऑलमोस्ट, तो ये इसका ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, लेकिन ये प्राइसेस 19-20 है यहाँ पे इनकी। अगर आपको काफ़ी सस्ता चाहिए तो आपको पीछे यहाँ से गलियों में जाना पड़ेगा, कबूतर चौक वाली साइड पे उसकी वॉक बहुत है। मैं आज इस वीडियो में जो करीब तरीन खाने हैं वो दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं क्लॉक टावर के अंदर, लास्ट टाइम भी मैंने जब हज पे आया था तो मैंने अंदर से इसका दिखाया था आपको मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि तब मैं यहाँ स्टे कर रहा था, इस बार मैं वहाँ स्टे कर रहा हूँ जो पहले फूड कोर्ट्स आपको मैंने दिखाए हैं मक्का टावर के। जॉइंट तरीन बिल्डिंग मक्का क्लॉक टावर, और इसके अंदर आते ही आपका हल्का सा माहौल चेंज होगा। ये देखो ना जिस तरह सामने, ओए चाचा तेरी टेंट बाजा नहीं मेरे से, ये जिस तरह सामने पूरा माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, और काफ़ी बड़ा माहौल है। इसमें आपको फैंसी ऊद शॉप्स मिलेंगी अगर आपने परफ्यूम वगैरह लेने हैं, उसके अलावा नीचे वो बॉडी शॉप है, और इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और ये ऊपर सारा मॉल है। क्लॉक टावर के फर्स्ट फ्लोर पे आते ही आपको नज़र आएगी सामने स्टारबक्स अगर आपने कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है, और दूसरी तरफ आपको इधर नज़र आएगी टिम हॉर्टन्स, तो आप यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी के लिए, वो सामने कोस्टा कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का माहौल भी ऑन है। ऊपर पूरे दो फूड कोर्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, और मोस्टली यहाँ पे ऊद शॉपिंग है, उसके अलावा कुछ कपड़ों की भी है। भाई पहुँच चुका है सेकेंड फ्लोर पर, सब पहले यहाँ पर ये एक ही स्टारबक्स थी जो मैंने आपको दिखाई है, अब बन चुके हैं यहाँ पे दो स्टारबक्स, ये ज़रा इन्होंने नई बनाई है, तो इसके अंदर सिटिंग एरिया जो है ना वो बड़ा मज़े का है। अच्छा भाई, अब मैं पहुँच चुका हूँ थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, ये हर तरफ लोग बैठे हुए हैं पूरे सर्कल में। अब यहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स, बास्किन रॉबिन, KFC और अंदर लाइन में और खाने काफ़ी सारे हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा इस तरफ जो है आइसक्रीम शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, शॉर्मा मिक्स है, इस तरफ शॉर्मा मिक्स आ गया, वो सामने फरूजी एक्सप्रेस है, वो भी चिकन रोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे आपको अबराज एवेन्यू, जहाँ से आप परफ्यूम्स, ग्लासेस, इस तरह की शॉपिंग कर सकते हो ब्रांडेड, और ये इस तरफ है गोल्ड ऑफ द किंग, ये पूरी गोल्ड की दुकान है, और ऐसा ऐसा नस्ल का गोल्ड होता है, तभी मैं अभी फैमिली को निचले फ्लोर पे छोड़ा हूँ। अच्छा खैर, इस तरफ जो है वो आपको एडिडास, नाइकी और ये स्नीकर्स वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी। वो सामने काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है, आप समझ लो कि हाइपर स्टार को और ज़्यादा बड़ा कर दो, इसके अंदर इस तरह बल्क क्वांटिटी में चीज़ें पड़ी होती हैं, वो ऊपर है। इसका नाम है अबराज
पता नहीं कौन सी मार्केट, इसके अंदर मैं गया था। ये मेरी पिछली हज वाले टाइम की वीडियो के अंदर है। ये पूरा एक फ्लोर जो है ना वो इनके पास है ऊपर, तो यहाँ पे आप आओ, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन भाई वार्निंग है, इसके अंदर जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ें उठाते उठाते आपका 25-30 हज़ार पाकिस्तानी लग जाएगा, क्योंकि बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें इसके अंदर, चॉकलेट्स ये वो फलाना बहुत कुछ है। हाँ, अगर गिफ्ट्स लेने हैं तो अंदर से आप, मैं पिछली दफ़ा यहीं से वो जो खजूर बिस्किट्स और चॉकलेट खजूर इस तरह की चीज़ें मैं यहीं से लेके गया था। खैर, इसी फ्लोर पर वो सामने आपको टेक्सास चिकन नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इस फ्लोर पर रुक नहीं रहा क्योंकि मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर आपको एक चीज़ रिकमेंड करनी है जो मैंने खाई थी। फोर्थ फ्लोर ख़वातीन हज़रात, ये मैं अभी नीचे वाले फ्लोर पे था, वहाँ पे जो मैं आइसक्रीम शॉप आपको बता रहा हूँ, बड़ा यूनिक इन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ, कश्ती निकाली हुई है उस फ्लोर से बाहर, तो कॉफ़ी और आइसक्रीम आप इस तरह की चीज़ें वहाँ से खा पी सकते हो। अभी आ चुका मैं फोर्थ फ्लोर पे, ये भी काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, वो स्पाइस एंड बॉल का लगा हुआ, मतलब वहाँ पर भी कुछ आने वाला है। उसके अलावा सामने क्या है, शोआइता कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी। मैंने जो आपको दिखाना है जी वो है यहाँ पे, ये सबारो पिज़्ज़ा है और न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा ही है। इसका पिज़्ज़ा आप, मैं कहता हूँ अगर यहाँ मक्का आओ, डोमिनोज शोमिनोज सारे छोड़ो, सोचे बगैर आपने सबारो आना है। और इनके पास अस्सलाम वालेकुम, विच वन इज़ इट? दिस इज़ थ्री चीज़ विद टोमेटो सॉस। ओके, दिस इज़ टॉर्टेलिनी, स्पिनिश, अनियन, चिकन एंड मशरूम। दिस वन इज़ पेस्टो विद चिकन, ड्राई टोमेटो एंड हैलाबिनो। एंड दिस वन इज़ थ्री चीज़ विद टोमेटो सॉस। थैंक यू। ऑनेस्टली पास्ता मुझे टेम्पटिंग नहीं लगा था ज़्यादा, तो मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैंने इनका पिज़्ज़ा ट्राई किया था। और क्या नस्ल का पिज़्ज़ा है। अच्छा, सबारो का ये सीन है कि यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टाइल है कि आप एक स्लाइस भी ले सकते हो, 17 इंचेस का ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, और एक स्लाइस आप ले सकते हो 17 रियाल का, और अगर आपने पूरा पिज़्ज़ा लेना है 17 इंचेस का तो वो है 85 रियाल का। मैंने ट्राई किया था इनका चिकन बफलो, वो वाइट सॉस के साथ था, बेहतरीन। एक मैंने ट्राई किया था इनका पेपरोनी पिज़्ज़ा, मुझे सबसे बेस्ट पेपरोनी लगा था। और एक इनका मैंने ट्राई किया था चिकन वेजिटेबल, वो मुझे तीनों में से तीसरे नंबर पे जो पसंद आया था वो था। बट पिज़्ज़ाज बहुत मज़े के हैं, अपने हिसाब से आप फ्लेवर चूज़ कर सकते हो, फोर चीज़ पिज़्ज़ा, पेपरोनी, बीफ एंड पेपरोनी। तो अगर पिज़्ज़ा खाना है तो यही एक स्पॉट आपके जहन में होना चाहिए मक्का में।